आज के प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसको हल करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाला का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 25 जो लिखा गया है, उसके बाद उसी तरह से इसमें भी ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाला का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 42। तो ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट जरूर करें। तो इसी तरह से प्रत्येक दिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पर शेयर करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो धन्यवाद।